मेरा नाम है बाबूधन प्रसाद और मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करके 35 साल अभी रिटायर हूँ। तो सर क्या कारण था पुलिस आपके घर आई? मैं उस समय हलवारा में था उस वक्त, जो कि हमारे बच्चे को हमारे बीबी को अरेस्ट करके अविनाश राय ले गया। क्या वो एक फौजी के घर था आगे एक टेररिस्ट के घर था कि ऐसे इस तरह से, जो कि हमारे पास वीडियो सारे प्रूफ पड़ा हुआ है जिसमें हमने हाई कोर्ट को एफ आई आर किया, तो हमारे को कमिश्नर साहब ने इंसाफ दिया है, उसको सस्पेंड किया है। तो आप आज भी आपकी आंखों में आंसू है, हाथ हुआ है आपका, जो इमेज है आपकी, इतने साल काम किया, जॉब किया है, देश की सेवा की, देश का सेवा किया, लेकिन मान हानि का हमारे खराब कर दिया हमारा इमेज, हमारे को बहुत इज्जत करते थे लोग। क्या आप भी मांग करते हैं जो बाकी जो भी मुल्ज़िम रहते हैं तो मुजरिम में इसमें मोहल्ले में 5 आदमी है उसका साथ सपोर्ट करते हैं, जो कि वो भी हमारे घर में आए थे, क्या लूटपाट की है हमारे घर में, कार्रवाई की मांग करते हैं सर, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैंने जैसे है, आज भी जैसे राम जन्म है फर्स्ट, उसके बाद में उसकी बहन है वीडियो में मारते हुए डंडा दिखाई दे रही है, सन ऑफ हजारी का लड़का है वो हमारा गाड़ी पर मारते हुए किस लिए आए थे हमारे घर में, एक ममता है लेडीज है वो भी मुखिया है इधर की। क्या आपका कोई पुराना झगड़ा चल रहा है उनके साथ या क्या रंजिश है उनको, क्या कारण क्या, वो क्यों आए पुलिस? वो हमारे पहले भी हमारे बेटे के सर पर पेट मार दिया था, तो मैं मेरा पैर पकड़ा था तो मैं कंप्रोमाइज कर दिया था, फिर मेरे साथ पुलिस वाले से सेटिंग करके ये सब हमारे साथ किया, घटना किया है, मैंने कोई लड़ाई नहीं किया है, लड़ाई हुआ भी नहीं है। और अजय है पलम्बर, इसी गली में रहता है, और एक तिवारी है जो कि 5 लोग उनके साथ उनके तो उनके साथ हाई कोर्ट में इनके खिलाफ दे रखी है कंप्लेंट या फिर आप पुलिस में भी कंप्लेंट की, आपने भी नई कंप्लेंट दी है इनके खिलाफ? नहीं जी, अभी नहीं दिया हूँ, अभी जब वहाँ से रेड लगाया था, रेड के बाद में अभी हम मानहानि का केस करेंगे इनके ऊपर। हाँ नमस्कार जी, मैं अरमान सोनी हूँ, मेरे फादर 35 ईयर्स इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को दिया है, जो कि बाहर बोर्ड लगा हुआ हमारा। तो अभी कुछ लास्ट ईयर की घटना है, तो कुछ पुलिस वाले थे जिसमें ASI अविनाश राय पहले गिने जाते हैं, तो वो हमारे घर पे आए और मेरे को गलत तरीके से अरेस्ट करके लेके गए। देन उसके बाद उन्होंने अरेस्ट तो मेरे को किया 21 दिसंबर रात को, जो कि अगले दिन FIR उन्होंने 22 तारीख को लॉन्च की है वहाँ पे। देन उसके बाद उन्होंने FIR मेरे ऊपर लिखने के बाद गलत तरीके से, देन उसके बाद 24 तारीख को इन्होंने मेरी मदर को बुलाया पुलिस स्टेशन में रात के टाइम पे, और मेरी मदर को भी अरेस्ट कर लिया। देन उसके बाद जब मेरे सास ससुर भी वहाँ पे आए हुए थे पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद जब इन्होंने मतलब मेरे सास ससुर ने आवाज़ उठाई कि रीज़न क्या है, आपने उनको क्यों अरेस्ट किया है, तो उन्होंने मेरे सास ससुर को भी अरेस्ट कर लिया, और 26 तारीख को इन्होंने हमें सेंट्रल जेल में भेज दिया था। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने किया कि मैं जस्ट ये इसके लिए मैंने एक रिट पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में। देन उसके बाद आज की डेट में मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को अप्रिशिएट मतलब करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि उन्होंने काफ़ी मानव अधिकार पे काफ़ी अच्छा काम किया, और जो भी पुलिसकर्मी हैं जैसे अविनाश राय इनको सस्पेंड कर दिया गया है, रमनदीप हैं कांस्टेबल रमनदीप उनको सस्पेंड कर दिया गया है, देन जनरल सिंह है इनके ऊपर कार्रवाई अभी हुई है, और सुरजीत कौर है उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, सुखदेव जी हैं ASI सुखदेव उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और होमगार्ड हैं एक राजीव कुमार उनकी उनको लेटर मतलब उनके होमगार्ड को भेज दिया गया, तो अभी देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होगी। और ये सर अभी तक इन्होंने जो है लुधियाना कोर्ट में अभी तक हमारा चलान पेश नहीं किया इन्होंने कि एक्चुअली इन्होंने अरेस्ट हमें क्यों किया, तो इसीलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि इनसे सवाल पूछा जाए कि आखिर इन्होंने अरेस्ट क्यों किया। लग रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छा जो फैसला लिया, जो मानदंड के आदेश आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी यहाँ कुछ मांग क्या है आपकी? जी नहीं, अभी मांग ये है कि कमिश्नर और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया अपने लेवल पे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हमें हमारा जो अधिकार है वो दिलाया है। सर लगता है कहीं ना कहीं आपके अरेस्ट करने के बाद कार्रवाई तो उन पर कर दी, पर जो आपको हरास हुआ है फैमिली की जो इमेज खराब हुई है, बिल्कुल पूर्ति को लेके लगता है कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची इस पूरे जी जी अभी तक भी हम अगर देखा जाए तो हमारी फैमिली पूरी डरी हुई है, हम इस जगह पे नहीं रह रहे, अभी भी हम हलवारा में रह रही है जगह छोड़ के, तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये कि हम एक तरीके से सदमे में, हमारी पूरी फैमिली कोई भी इधर आने से डरता है, तो अभी मैंने कॉन्फ्रेंस किया तो चलो मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो ठीक है मैं इस जगह पे आके आप लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें बताऊँ जो भी चीज़ एक्चुअल, और इसके लिए मेरे पास सारे डाटा पड़े हुए हैं, अगर कोई भी चीज़ जो भी रिपोर्ट है मैं आप लोगों को सबको दे दूंगा, तो आप लोग ये रिपोर्ट देख लीजिएगा हाई कोर्ट की रिपोर्ट। जी ये ASI अविनाश राय है और जो कांस्टेबल रमनदीप हैं
और वो उनका ही है। जब आपको अरेस्ट किया गया तो आप पे कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर वगैरह भी? जी मेरे को वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन वाले भी, उनका पार्टी वाले हैं, चार पांच आदमी जो वो भी थे इंक्लूड हमारे घर में आए। तो मारपीट भी की गई आपके? जी बिल्कुल, वो वीडियो में वो सारी चीज दिख रही है हमारे। तो उसको लेके मतलब कार्रवाई तो कर दी गई है, अब लगता है कहीं ना कहीं जैसे आपकी इमेज भी खराब की गई है पूरे शहर में जैसे, जी उसको लेके अब आपकी क्या डिमांड है आगे क्या? जी अभी अभी हमने लुधियाना कोर्ट में 156(3) लगाया हुआ है इस पे, तो अभी देखिए अभी 156(3) जो लगाया है तो ये जो जो अभी तक ये ढाबा पुलिस स्टेशन है इन्होंने अभी तक रिपोर्ट बना के भेजी नहीं है, ये डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, सारी चीजें करते जा रहे हैं। तो पुलिस ने एफआईआर में क्या क्या जिक्र किया, कौन सी धाराएं लगाई? जी एफआईआर की हाँ जी हाँ जी एफआईआर की धारा इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारी लगाई थी जो कि ये यहाँ पे रिपोर्ट में है, मैं आपको बता देता हूँ। 353, 186, 427, 506 एंड 34 इन्होंने मेरे ऊपर धाराएं लगाई थी। कंप्लेंट भी है, पुलिस खुद पार्टी बनी है उसमें? जी ये खुद पार्टी है पुलिस इसमें, जी एक अभी वो रामजन्म है जिसने ये सारी चीजें करवाई है, हाँ जो रामजन्म है वो हमारे यहीं पे पड़ोस में रहता है, तो इन्होंने अभी पहले मेरे सर पे एक बार बैट भी मारा था, इसके नाम पे DDR भी हो रखी है वहाँ पे हमारे, एक ये पर्सनल लड़ाई बोल सकते हैं इसको, इस चीज़ को कि ये लड़ाई थी एक, लेकिन इस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया था, हमने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया था क्योंकि उसने माफ़ी हमसे मांग ली थी, तो हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी उस टाइम पे। फिर आज की डेट में अब ये क्या प्लानिंग इन लोगों की चल रही है क्या नहीं चल रही है, अब ये है कि मेरे हिसाब से जो भी जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।